नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निमेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोन मंत्री। दोस्तों, आप जैसा थंबनेल देख रहे हैं कि मैं आज आपके सामने वो बैंक्स और वो इंस्टीट्यूशंस का नाम लेके आया हूँ जो कोविड-19 के टाइम पे आपको पर्सनल लोन दे रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे रेट पे दे रहे हैं, ऑथेंटिकेट हैं और जो ऑनलाइन कंपनीज फ्रॉड कर रही हैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं है। तो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके मैं आपको सारे बैंकों के डिटेल्स बताऊंगा और मैं उसके लिए आपको शुरू करता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और पंजाब नेशनल बैंक है इन लिस्ट में, जिसका मैं ऑलरेडी आपको प्रोसेस बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल जाके वीडियोस देख सकते हैं, उनका मैंने पूरा लाइव प्रूफ के साथ प्रोसेस बताया है, क्या उसकी कंडीशंस है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारे आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा जो बैंक्स हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला बैंक आता है गाइस, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जी हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी इस समय कोविड-19 में पर्सनल लोन दे रहा है। इसके अलावा दूसरे बैंक हैं इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसके अलावा ये बैंक्स हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारे बैंकों की एलिजिबिलिटी बताता हूँ, उनका क्या नॉर्म्स हैं और लगभग लगभग सारे बैंक्स लगभग लगभग 99% सेम है। जहाँ पे कुछ डिफरेंस होगी वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइस ये बता देता हूँ, सारे जो बैंक्स हैं इसमें ये ज़्यादातर जो लोन दे रहे हैं वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं। यानी अगर आपका वहाँ पे सेविंग्स अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट है, आपका सैलरी अकाउंट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। और ये जो लोन है ये स्टार्ट होते हैं अपने अपने बैंक्स, अपने की डिफरेंट क्राइटेरिया है। इसका जो मिनिमम अकाउंट वो है 25,000 से देते हैं ये लोग 5 लाख तक का लोन, और इनका जो मिनिमम टेन्योर है वो है 3 महीने से लेके 5 साल तक का, इसमें आप लोन ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, इसमें जो आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं 30-25% लेते हैं, बाकी जो ऑनलाइन ऐप्स है वो ऐसा नहीं। इनके ऐप्स काफ़ी कम हैं, इनके रेट्स काफ़ी कम हैं, और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है वो होता है 10% से लेके 22% तक के बीच में सब में आ जाता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड होता है कि आप किस बैंक से लोन ले रहे हो और आपकी प्रोफाइल क्या है। अगर आप सैलरीड हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम होता है, यदि आप बिजनेसमैन हो, यदि आप घर में कोई काम कर रहे हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा होता है। पर अगर आप कंपेयर करना चाहो बाकी ऑनलाइन जो ऐप्स होती हैं कैश भी किस्त से जो आप लोग पीड़ित थे, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर भी काफ़ी कम होता है। तो गाइस इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। इसमें देखिए, जैसे कि आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सबसे पहले मैं उसका बताता हूँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बोला है कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ये लोन देंगे, और इन्होंने रखा है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। जी हाँ, इसने लोन का जो नाम रखा है, प्रोडक्ट का नाम रखा है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लोन स्कीम कोविड-19 फॉर इंडिविजुअल्स। इसमें जो है ये जो वैलिड है केवल 30 जून तक है, तो 30 जून तक अगर आपको उसमें लोन लेना है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट जो उन्होंने बताया है उसमें बताया, अगर आपकी सैलरी स्लिप आपको अपनी है तो लास्ट 3 महीने की, अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड और अपना 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट है। इसमें आप ऑनलाइन भी अप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, इसमें अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने लास्ट के 2 साल के ITR, अपना पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, इतना आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखनी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका जो चालू होता है गाइस वो काफ़ी कम है। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चालू होता है 10% से 22% के बीच में, और प्रोसेसिंग फीस भी इनकी बहुत कम है, 399 रुपये सिर्फ। इसके अलावा सेकेंड जो आता है पंजाब नेशनल बैंक, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसके चले आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद आता है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक इंस्टा पेंशन कोविड। ये पेंशन वालों के लिए है, यदि आप कोई पेंशनर, आप घर में कोई पेंशनर है, आपके पापा, आपकी मदर कोई भी है और उसको आप चाहते हो लोन दिलाना, तो उसमें इनको दिला सकते हो। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है पेंशनर्स के लिए, जो कि अपने इंडिविजुअल्स को ही दे रहा है, यानी जिनकी पेंशन इंडियन ओवरसीज बैंक में आती है ये सिर्फ उनके लिए है, और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल 12% है और 0% फीस है। तो यदि आप घर में कोई पेंशनर है जिसकी पेंशन इस बैंक में आती है तो उनको आप दिला सकते हो। थर्ड में गाइस आ जाता हूँ, इसके बाद है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का भी सेम है गाइस, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चालू होता है 12 से 22% के लिए, अपने ही कस्टमर्स को ये दे रहे हैं और सेम डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया वही है, और इनकी भी जो लास्ट डेट है वो है 30 जून 2020 तक, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का गाइस है, उनका बैंक ऑफ बड़ौदा का है बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन कोविड-19। तो इसमें मैं कंडीशंस बता देता हूँ, इनका जो मिनिमम कंडीशन है वो 6 महीने का है, यानी मिनिमम 6 महीने से 5 साल तक का आपको लोन देंगे। और इनका जो पहली जो डेट थी वो 29 तारीख तक दे रहे थे, यानी 29 अप्रैल तक दे रहे थे, पर इन्होंने 30 जून तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। इनका जो लोन क्वांटम है वो 25,000 से 5 लाख तक का है, यानी 25,000 से 5 लाख तक के लोन का इसमें कर सकते हो, और प्रोसेसिंग फीस केवल 500 प्लस GST है।
तो इसमें प्रोसेसिंग फीस देखी जाए तो काफी कम है। जैसे ऑनलाइन एप्स हजार हजार 1500 में वसूलती है, तो इसमें भी और काफी कम है। तो गई इसके अलावा सारे बैंकों में अगर आपकी सैलरी भी आ रही है तो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बैंक ऑफ यूको बैंक का बता देता हूँ, यूको बैंक का भी 25,000 से 5 लाख तक का आप लोन ले सकते हो। टेन्योर भी 6 महीने से 5 साल तक का है, और आप इसमें जो मिनिमम लोन अमाउंट है वो 15,000 है, और मैक्सिमम लोन अमाउंट 3 लाख है, और ये भी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं। इसमें जानने वाली बात क्या है कि इसमें मैक्सिमम जो लोन दे रहे हैं गाइस वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को दे रहे हैं, लेकिन इसमें यदि आपको सच में इमरजेंसी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोन आप तभी लो जब आपको सच में कोई इमरजेंसी हो अपने शौक पूरे करने के लिए, या किसी सिर्फ टाइम पास, या फिर पैसा रख लेते हैं, ऐसे लोन में मत फंसिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ता है और आपको महंगा पड़ता है। तो गाइस अभी यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताता हूँ। यदि आपका जो भी कोई मैंने जितने बैंकों का नाम लिए, जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिया, पंजाब नेशनल का बैंक का लिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें सारे जो दे रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को दे रहे हैं। यदि अगर आपके पास आपको इसमें से लोन चाहिए और आपका जो बैंक है वो आपको लोन नहीं दे रहा है, तो इसमें आप आजकल ये सारे बैंक ऑनलाइन खाते भी खोल रहे हैं, यानी आप 2,000 3,000 रुपये 5,000 रुपये से ऑनलाइन खाता खोल लीजिए, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करिए, तो आप लोन के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। हाँ शायद ये काम इसका प्रोसेस को 3 से 4 दिन लग जाएंगे, लेकिन आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हो गाइस। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा डिटेल्स के साथ। और वीडियो को लगता है अच्छा है तो इसको लाइक कर दो, दोस्तों में आप लगता है आप काम का है तो फॉरवर्ड कर दो, और एक सबसे जरूरी काम, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।